हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि बहुत कोई आते हैं न्यू क्रिएटर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि उसका चैनल किस कैटेगरी में जा रहा है। मान लीजिए कोई रेसिपी के बारे में बता रहे तो वो कौन से कैटेगरी में जाएंगे, कोई टैग बता रहे तो वो कौन से कैटेगरी में जाएंगे, या फिर कोई वेहिकल्स वगैरह या ट्रैवल के बारे में बता रहे तो कौन सा कैटेगरी में जाएगा। आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा चैनल किस कैटेगरी में जाएगा और यूट्यूब चैनल यूट्यूब की सेटिंग में जो कैटेगरीज आती है वो आपके कौन से चैनल के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि कौन सी कैटेगरी किस चैनल के लिए लगेगा। फ्रेंड्स, आप भी उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हाँ फ्रेंड्स, और एक जरूरी बात, आपको मान लीजिए यूट्यूब के सेटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से बनाया। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब सेटिंग्स सिंपल टेक्निकल आप सर्च कीजिएगा। मेरे YouTube से रिलेटेड जितने अपडेट और न्यू सेटिंग्स आए, आपका वीडियो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपका अगर कोई सेटिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी सेटिंग सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने चैनल को सेटिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के मैं जो कैटेगरी है यूट्यूब में यहाँ पर लिख के रखा हूँ फ्रेंड्स, आपको बता दो। तो पहला यहाँ पर आता है फील्ड एंड एनिमेशन। फ्रेंड्स, फील्ड एंड फिल्म एंड एनिमेशन हो गया फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती है, फिल्म की कंपनियाँ होती है, वो फिल्म डालते हैं पूरा पूरा अपना यूट्यूब में फिल्म डाल देते हैं, जो 1.5 घंटे 1 घंटे 2 घंटे या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ होती है जो अपना फिल्म होता हूँ उनका, जो वो फिल्म पूरा अपने यूट्यूब में डालते हैं फ्रेंड्स। तो फिल्म और एनिमेशन हो गया फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी एनिमेटेड वीडियो हो रहा है, एनिमेशन कर रहा है, कार्टून वगैरह इस तरह के, तो वो फिल्म एंड एनिमेशन में आएगा फ्रेंड्स आपका। दूसरा कैटेगरी आता है फ्रेंड्स आपका ऑटोस एंड व्हीकल्स। ऑटोस एंड व्हीकल्स तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ऑटोस एंड व्हीकल्स में हो गया, मान लीजिए कोई गाड़ी के बारे में बता रहा है, उसको ड्राइविंग करने सिखा रहा है, या गाड़ी के पार्ट्स का स्पेयर पार्ट्स के बारे में बता रहा है, या फिर गाड़ी की उसके नॉलेज दे रहा है, या फिर मान लीजिए गाड़ी के वो ट्रेनिंग दे रहा है गाड़ी के लिए कुछ चीज़ों, या फिर उस चीज़ को ठीक कर रहा, सुधार कर रहा, उसको बनाने में कुछ बता रहा, गाड़ी और ऑटो एंड व्हीकल से रिलेटेड, तो ऑटो एंड व्हीकल्स के आपका आएगा फ्रेंड्स। तीसरा आता है आपका म्यूजिक। म्यूजिक आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई साउंड वगैरह दे रहा है, या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, या फिर अपना सॉन्ग्स बना के डाल रहा है, उसमें कोई सॉन्ग्स वगैरह होती है, वो आता है आपका म्यूजिक में फ्रेंड्स। उसके बाद आता है पेट्स एंड एनिमल्स। पेट्स एंड एनिमल्स फ्रेंड्स आपका आ जाता है, जैसे कोई जानवर के बारे में दिखा रहा है, कोई किसी घर में मान लीजिए पेट्स है, डॉग्स वगैरह है, या फिर बहुत तरह के गाय या किसी भी चीज़ का जानवर है, उसको किस तरह से खाना देते हैं, उसको किस तरह से नहलाते हैं, उसको किस तरह से रखते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे किस उसके बारे में बताते हैं, मतलब जानवरों से रिलेटेड बताते हैं कि किस तरह से उसको प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। इस टाइप के कुछ होता है जो पेट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं, वो पेट्स एंड एनिमल्स में आता है फ्रेंड्स। उसका चौथा आ गया फ्रेंड्स आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपका हो गया, मान लीजिए आपका खेल कूद के बारे में बता रहे हैं, क्रिकेट के बारे में, या फिर वॉलीबॉल, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया आपका खेल कूद से, वो आपका स्पोर्ट्स में आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आ गया आपका ट्रैवल्स एंड इवेंट्स। फ्रेंड्स, ट्रैवल्स एंड इवेंट्स हो गया, मान लीजिए कोई मान लीजिए सिक्किम जा रहा है, गोवा जा रहा है, या फिर कहीं क्या हुआ जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसका पूरा ट्यूटोरियल बना रहा है फ्रेंड्स, उसका उसको दिखा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से पाए जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से मिलता है, यहाँ पर ये प्लेस ऐसा है वैसा है, कोई भी एरिया के मतलब फिर ट्रैवलिंग के बारे में बताता है आपको, या फिर कोई ट्रैवलिंग के बारे में डायरेक्शन देता है कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये प्लेस ऐसा है, वो प्लेस ऐसा है, यहाँ पर घूमने के लिए आपको ऐसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और इसमें एक इवेंट्स भी आता है फ्रेंड्स, ट्रैवल इसमें दो है आपका, ट्रैवल्स एंड इवेंट्स। फ्रेंड, इवेंट्स मान लीजिए कोई भी आकर कोई भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, कोई भी इवेंट्स किया जा रहा है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब आपका कवि सम्मेलन इस तरह से कोई इवेंट्स होता है फ्रेंड्स, नाच गाना प्रोग्राम किसी चीज़ को किया जाता है घर पे या फिर कहीं पर स्टेज पे, वो इवेंट्स से रिलेटेड आपका आता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका गेमिंग। फ्रेंड्स, गेमिंग मान लीजिए कोई अपना कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम खेल के दिखा रहा है, या फिर गेम के बारे में बता रहा है, या गेम के बारे में नॉलेज दे रहा है, या उसके कोड वगैरह बता रहा है, क्या उसके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है गेम के बारे में, वो आपका गेमिंग में आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका पीपल एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी आपका किसी इंसान के बारे में बता रहा है, कोई भी यूट्यूब वीडियो पे किसी और के बारे में बोल रहा है, या फिर कोई भी इसमें दो आता है फ्रेंड्स आपका पीपल एंड ब्लॉग्स, इसमें दोनों आएगा। पीपल मतलब हो गया आपका किसी
कोई भी यूट्यूबर अगर किसी अन्य पर्सन के बारे में, उसके बारे में बता रहा है, उसके डिस्कशन कर रहा है उसके बारे में अपने वीडियो में, वो पीपल मैगा ब्लॉग्स में आपका कोई वेबसाइट के बारे में बता रहा है, वेबसाइट को किस तरह से ये किया जाए, बनाया जाए, इस तरह से बता रहा है वेबसाइट के बारे में, तो वो आपका ब्लॉग्स में आता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कॉमेडी। कॉमेडी तो आपको नाम से पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, कॉमेडी में आपका कोई मान लो आपको फन कर रहा है, मतलब आपको कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी करके दिखा रहा है, जिसमें आप हंस रहे हो, फन मिल रहा है आपको फ्रेंड्स। उस तरह से कॉमेडी, जैसे बहुत सारी कॉमेडी वीडियो आती है, मूवीज में कॉमेडी होती है, तो उस तरह से कॉमेडी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसका कॉमेडी मिल जाएगा। इसमें देखिए इंटरटेनमेंट और कॉमेडी दोनों अलग है फ्रेंड्स। इंटरटेनमेंट मान लीजिए मैं खड़ा खड़ा कुछ भी ऐसे जोक मारा तो वो इंटरटेनमेंट में आ गया, मतलब वो इंटरटेनमेंट आप लोग को इंटरटेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इंटरटेनमेंट वही हो गया कि जो इंटरटेन हो, कोई भी पर्सन इंटरटेन हो किसी के थ्रू, तो आप लोग को जो इंटरटेन कर रहा हूँ वो इंटरटेनमेंट से आएगा। कॉमेडी आ गया जो आपको कॉमेडी करके दिखा रहा है, मान लीजिए बहुत अन्य टाइप का कॉमेडी जोक्स मारा या फिर कुछ इस तरह से वो कॉमेडी कर रहा है आपके सामने, तो कॉमेडी में आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स मतलब मान लीजिए कोई डेली आपका न्यूज़ दे रहा है यूट्यूब चैनल पे, डेली नए नए न्यूज़ के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स, क्या क्या न्यूज़ आती है डेली आपको अपग्रेड दे रहा है, न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा है। और पॉलिटिक्स मतलब आपको राजनीति के बारे में बता रहा है, क्या होता नहीं होता यूट्यूब चैनल पे, कोई भी मतलब राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो वो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के चैनल में आता है। उसके बाद आता है आपका हाउ टू एंड स्टाइल फ्रेंड्स। देखिए इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू एंड स्टाइल में क्या आता है फ्रेंड्स। हाउ टू मान लीजिए किस चीज़ को कैसे किया, मान लीजिए आप कोई रेसिपी के बारे में बता रहे हैं कि मटर पनीर कैसे बनाया जाता है, तो हाउ टू क्रिएट ए मटर पनीर, उसके छोले भटूरे कैसे बनाए जाते हैं, तो उस तरह से रेसिपी में भी आपका यहाँ पे हाउ टू आता है फ्रेंड्स। या कोई भी अगर रेसिपी वगैरह बनाया जाता है उसमें आपका हाउ टू में आएगा फ्रेंड्स। और स्टाइल, हाउ टू एंड स्टाइल में आपका लाइफ स्टाइल के बारे में कोई बता रहा है, कोई आपका लाइफ स्टेटस के बारे में बता रहा है किस तरह से कैसा करना चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई ब्यूटी टिप्स दे रहा है या फिर ड्रेसिंग वगैरह के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स, वो हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाता है फ्रेंड्स आपका। उसके बाद आता है एजुकेशन। कोई आपको मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रहा है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, कोई भी कंटेंट के रिलेटेड, किसी भी चीज़ से आपको पढ़ा रहा है, मान लीजिए कंप्यूटर पे आपको नॉलेज दे रहा है, मोबाइल पे नॉलेज दे रहा है, मतलब जो स्टडी आपको कर रहा है, मतलब आपको आपको टीचिंग करवा रहा है फ्रेंड्स, वो आपका एजुकेशन में आ जाता है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा रहा है या कोई बुक वगैरह के बारे में बता रहा है, बुक्स पढ़ा रहे हैं, वो आपका एजुकेशन में आता है फ्रेंड्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई साइंस से रिलेटेड बात कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका मेडिकल से भी आ जाता है फ्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से भी आ जाता है, ये मेरे दोनों मिला जुला है। साइंस, कोई साइंस के बारे में बता रहा है आपको, लेटेस्ट न्यूज साइंस का दे रहा है, कोई साइंस के या फिर नया नया टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहा है, नया नया टेक के बारे में बता रहा है, नया नया गैजेट्स के बारे में बता रहा है, कोई भी टेक से रिलेटेड आपको बता रहे हैं या फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद आता है आपका नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म आता है फ्रेंड्स। लास्ट आपका आ गया नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म। नॉन प्रॉफिट्स एक्टिविज्म होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी यूट्यूब वीडियो में आपको कुछ भी मतलब बता रहा है किसी चीज़ को नॉन प्रॉफिट, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एनजीओ वगैरह के होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं जिसमें आपका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, मान लीजिए वो कोई किसी प्रॉफिट के कारण नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आपको नॉलेज दे रहे हैं फ्रेंड्स, वो हो गया नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म हो गया। मतलब आपका कोई भी मान लीजिए एनजीओ से रिलेटेड कुछ भी आपको नॉलेज दे रहा है और उसमें उसका नॉन प्रॉफिट है फ्रेंड्स, तो वो सब चीज आपका नॉन प्रॉफिट चीज होता है, जो नॉन प्रॉफिट बताया जाता है वो आपका नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में आता है फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको सारी कैटेगरी अगर समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बस कैटेगरीज, यहाँ पर लास्ट था आपका नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म फ्रेंड। वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।